આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે. જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર. સુરત શહેરના રિંડોલી પોલીસ સ્ટેશન હદનો એક બનાવ સામે આવ્યો છે. ફાઇનાન્સનો વેપાર કરતા અને યુવા ગર્જના ગ્રુપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મનોજ રાઉત ઉપર જીવલેણ હુમલો થયો છે. દિંડોલી પ્રયોશા પાર્ક સર્કલથી થોડેક દૂર નહેર પહેલા એસએમસીના ખુલ્લા પ્લોટ પાસે આ બન્યો બનાવ. મનોજ રાઉત ઉર્ફે મનોજ માલ્યાને ગંભીર હાલતમાં એપલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવેલ છે. સૂત્રો દ્વારા મળેલ માહિતી પ્રમાણે ઇજાગ્રસ્ત મનોજની હાલત ગંભીર જાણવા મળી છે. દિંડોલી પોલીસે આ હુમલામાં સામેલ 3 આરોપીની ધરપકડ કરી છે, જેમાં આરોપી કાચા પાટીલ, નિમેશ પાટીલ અને બબલુની અટકાયત કરી છે. દિંડોલી પોલીસે હત્યા કરવાની કોશિશનો ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, સુરત. जी, आपका नाम? मेरा नाम साक्षी उपाध्याय है. कहाँ रहते हो? मैं डिंडोली विस्तार में रहती हूँ. अच्छा, क्या घटना बनी? घटना ऐसी बनी थी कि वहाँ मनोज रावत और उनकी वाइफ जाते थे वहाँ जॉगिंग के लिए प्रयोशा सर्कल पे. तो प्रयोशा सर्कल से हम सारे फ्रेंड्स अभी आज मिले और वो रोज सुबह वहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं. मॉर्निंग में अपनी फैमिली के साथ वो वहाँ जाते थे. तो वहाँ पे एक दारू का अड्डा चलता है जिसमें मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है और पब्लिकली डिस्टर्ब होता है ऐसा. और दारू का बैन है गुजरात में, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो आज हम सारे फ्रेंड्स जा रहे थे वहाँ पे मिले, तो वहाँ हमने देखा कि चल रहा था. फिर हमने मतलब बोला कि भाई बंद करो ऐसा. मनोज भाई ने ऐसा बोला कि ये बंद करो नॉर्मली. तो वो भाई नहीं बोले, नहीं बंद करेंगे ऐसा परेशान किया. फिर हमने बोला ठीक है मत बंद करो, हम वीडियो बनाते हैं. तो हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया. फिर वीडियो बनाने पे फिर वो एक ब्लैक कलर का शर्ट पहन के वो जैकेट वाला एक भाई आया और वो डायरेक्टली स्टार्ट हो गया विद पत्थर से वो मारने लगा. फिर ये दोनों भाई को पकड़ के बाहर पुलिस के बाहर उधर लेके गए. फिर इसके बाद में मनोज भाई को एक ब्लैक कलर का शर्ट था और एक दो जन थे जिसको मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ प्रॉपर. तो वो जो है उनको एक सरिये से मारा उसने उनके हेड पे, बैक साइड के हेड पे, जिससे वो बहुत सीरियस है और आज वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है. ठीक है, ये बनाओ. अच्छा, मनोज भाई को कितने लोग ने मारा, कौन लोग थे वो, क्या नाम था उनका? नाम तो मैं नहीं बता सकती आपको, मैं उनको विद फेस आइडेंटिफाई कर सकती हूँ. कितने लोग थे वो? वहाँ पे लोग तो बहुत थे. लगा किसको किसको? लगा तो मनोज भाई को है, विकी भाई को भी लगा है, ये दो जन को लगा. अच्छा, मनोज भाई, विकी भाई क्या काम करते हैं? मनोज भाई ये स्टडी अभी कर रहे हैं और फाइनेंस का बिजनेस भी करते हैं. विकी भाई ने दोनों साथ में करते हैं? हाँ, नहीं विकी भाई अलग उनका बिजनेस है और इनका अलग है. आपने फरियाद की है? नहीं, अभी मैंने फरियाद नहीं की है, लेकिन चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है. ओके मैम.